बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा दी गई है। 1995 का दोहरा हत्याकांड का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और साथ ही प्रभुनाथ और बिहार सरकार को 10 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ितों को देने का आदेश भी जारी किया है। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बताएं कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, बड़ी खबर? जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर क्योंकि पिछली बार ही दोषी करार दे दिया था, बड़ी खबर ये थी कि निचली अदालत ने उनको बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने उनको 2012 में बरी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अदालतों के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें 302 यानी हत्या का दोषी करार दिया, 307 घायल करने का जान से हत्या के प्रयास का दोषी करार दिया और आज के लिए उनको पेशी के लिए आदेश दिए गए थे। लेकिन वो पहले ही एक मामले में सजा काट रहे हैं, वो जेल में हैं हजारीबाग की, इसलिए उनको वर्चुअल पेश करने की इजाज़त दी गई, वर्चुअल उनकी पेशी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा ये हत्या का मामला है, इसमें जो सज़ा है कम से कम उम्र कैद है और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सजाए मौत है, तो ऐसे में हमें फैसला करना है कि उनको क्या सज़ा दी जाए। जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों के बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए सीधे तौर पर उम्र कैद की सज़ा सुना दी और कहा कि बिहार सरकार ने भी ठीक से यहाँ पर काम नहीं किया, इसलिए पीड़ितों को उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए, जिसमें 5 लाख रुपए बिहार सरकार देगी, 5 लाख रुपए प्रभुनाथ सिंह देंगे, 10 लाख रुपए पीड़ितों को देंगे और जो घायल है उसको 5 लाख रुपए देंगे, ये व्यवस्था की है। बड़ी ये बात है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अदालतों के बरी करने के फैसले को पलटते हुए साफ तौर पर कहा कि पहली नज़र में ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि इस हत्या के पीछे प्रभुनाथ सिंह हैं। जो सह आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया था, उनकी रिहाई को बरकरार रखा गया था, लेकिन प्रभुनाथ सिंह के लिए ये बहुत बड़ा झटका है और सीधे तौर पर उम्र कैद की सज़ा उन्हें सुना दी है सुप्रीम कोर्ट ने।